प्रदेश के जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित कालपी में भीषण सड़क हादसा बीते कल हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य बाल बाल बचे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए फॉर्चूनर कार से जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां डिप्टी सीएम के बेटे को गाड़ी से निकालकर तत्काल दूसरी गाड़ी की मदद से उरई मुख्यालय सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। आपको बता दें, हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आलमपुर बाईपास के पास हुआ है। बाल बाल यहाँ केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश इस हादसे में बचे हैं। दरअसल तेज़ रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर भी दो टुकड़ों में बच गया। हादसा देख वहां पर भीड़ एकत्रित हुई, पुलिस को इस हादसे की जानकारी मिली। आपको बता दें, फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है। जैसे ही घटना की जानकारी केशव प्रसाद मौर्य को मिली, उन्होंने अपने बेटे को वीडियो कॉल किया, बेटे का हाल चाल जाना और वहां मौजूद डॉक्टर से भी बेटे की हालत को लेकर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक उरई के सर्किट हाउस में योगेश मौर्य का इलाज किया गया। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने भी केशव प्रसाद मौर्य को उनके बेटे के सुरक्षित होने की सूचना दी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।